डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स एंड इट्स हायर डेरिवेटिव एंड कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स या इसके हायर डेरिवेटिव हो और y हो, वो इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वो कहलाता है ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में डेरिवेटिव कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यही हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर हो गया वन। इस इक्वेशन में हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसका ऑर्डर हो गया टू, क्योंकि ये डी टू हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो कहलाती है डिग्री। अब इस इक्वेशन में हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी हाइएस्ट पावर कितनी है टू, तो इसकी डिग्री हो गई टू। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इधर पावर है वन बाई टू, तो सबसे पहले इसको टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वन बाई टू वाली पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें हाइएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इसकी पावर कितनी है टू, तो इसकी डिग्री हो गई टू। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डी टू एस बाई डी एस टू, तो इसका ऑर्डर हो गया टू और इसकी पावर कितनी है वन, तो डिग्री हो गई वन। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो इसकी ऑर्डर हो गया वन और डिग्री भी होगी वन। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, और इसकी पावर है टू, तो इसकी इसका ऑर्डर हो गया वन, डी वाई बाई डी एस, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया वन, और इसकी जो पावर है वो कही जाएगी इसकी डिग्री, तो डिग्री हो गई टू। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसका ऑर्डर हो गया टू और इसकी पावर कितनी है वन, तो ये डिग्री हो गई वन। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पावर आ रहा है फोर बाय थ्री, तो पहले वन बाय थ्री वाले इसको हटाएंगे तो क्यूब से इसको क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसका ऑर्डर हो गया टू और इसकी पावर है थ्री, तो डिग्री हो गई थ्री। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सपोज दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले हम इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब होता है कि डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शन आने चाहिए एंड डी वाई के साथ वाई के फंक्शन आने चाहिए, तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे डी वाई के साथ वन माइनस एक्स है तो ये नहीं आना चाहिए, तो इस वन माइनस जो ऑड है इसको हम लिख रहे हैं वन माइनस एक्स। इधर डी एक्स के साथ तो थ्री प्लस वाई, ये नहीं आना चाहिए, तो इसको थ्री प्लस वाई लिख लिया। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी, यहाँ पर हमारे वेरिएबल सेपरेट होगा, डी वाई के साथ वाई की टर्म्स, डी एक्स के साथ एक्स की टर्म। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर हो गया, अब वन अपॉन थ्री प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग थ्री प्लस वाई, वन अपॉन वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन। एक्स का गुणांक यहाँ पे है माइनस वन, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन इज फिनिश, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे लॉग सी, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म लॉग में है, अगर आप चाहें तो इसको सी भी ले सकते हैं। लॉग सी इसलिए लिया है कि हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। अब इन दोनों को ये माइनस माइनस कंबाइन होकर प्लस हो गया, अब इन दोनों कंबाइन करेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी होते हैं लॉग ए इंटू बी, उससे इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ से लॉग कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू है, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई इज प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स। अब डी वाई के साथ टेन वाई तो ठीक है, पर sec स्क्वायर एक्स ऑड है तो sec स्क्वायर एक्स लिख लिया। डी एक्स के साथ टेन एक्स तो ठीक है, पर sec स्क्वायर वाई
ऑड है, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर वाई, ये इससे हम जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, tan y की जगह लिखा sin y अपॉन cos y, इसी तरह sec 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई को लिखेंगे cos स्क्वायर वाई, इसको सिंप्लीफाई करते यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम दोनों से इंटीग्रेट करेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं कि साइन वाई को यदि हम टी रखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टी तो ये डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू। आप चाहें तो इसको रफ में अलग से करके देख सकते हैं और जब प्रैक्टिस है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई अपॉन टू। इसी तरह से इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, साइन एस को टी रखना तो कॉस एक्स ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू सी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से हो जाएगा। और टू सी की जगह हम नया कॉन्स्टेंट इसको नाम दे सकते हैं के, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के। अब है ये ई की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करना संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आती है एक्स प्लस वाई की वजह से, तो जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम आती है उसे हम वी पुट कर देंगे। नाउ पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो गया वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वी का डी वी बाई डी एक्स। तो इस इक्वेशन में एक्स प्लस वाई की जगह वी रखेंगे और उसकी जगह डी वी बाई डी एक्स, तो ये इक्वेशन बन गई। इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये यहाँ तक आ गया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ई की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन वी के सापेक्ष हो जाएगा ई की पावर माइनस वी अपॉन माइनस वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, और इंटीग्रेशन फिनिश। अब हम सी एड कर देंगे, इसके बाद वी का वैल्यू रख दो तो ये आंसर आ जाएगा।